और अभी भाई वो पल आने वाला है जिसको देखने के लिए हम इतना दूर आए भाई, मतलब जिसका हम सबको और आप सबको बेसब्री से इंतजार था। ये देखते हैं। यू सेड दिस ईयर दुर्गा पूजा विल नॉट बी सो बिग। ये नमस्कार, वेलकम टू कोलकाता। की होय छे एकदम तो सबटा खट्टो करे हे तार पर ये दिखाओ। हाय यार, मैं मुंबई आया था तेजू भाई से मिलने। तेजू भाई तो मिले क्योंकि भाई आखिर में हमने जो पंडाल देखा ना भाई, वो सबसे अलग है। मतलब सबसे अलग, उसका थिंकिंग सबसे अलग है। मतलब आप कह सकते हो बुर्ज खलीफा से भी बढ़कर है। ए, ए, बेटे बेटे मौज कर दी। और आखिर में मैं भाई इसी पंडाल के बारे में बात कर रहा था। बोदी टाटा ओवा आशी ए टाटा टाटा हमें जाए। हाँ मजा लगी दो। सो वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग गाइज। आज हम जा रहे हैं, इनसे मिले हैं आप पहले ब्लॉग में। इनका नाम है अजय हाजरा, ठीक है। तो हम आज जा रहे हैं कोलकाता का फेमस पंडाल देखने, बुर्ज खलीफा। तो चलिए चलते हैं। और आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा खींचने वाला है भाई, तो जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ। सर ओस, आपका पूरा नाम क्या है? ये है सपनों का शहर। हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिवेणी स्टेशन में। इधर से ट्रेन पकड़ के कहाँ जाएंगे सर? अच्छा, आपका फेस एक बार दिखा दीजिए। मैंने बोला था अल्लू अर्जुन जैसा दिखते हैं आप। सब खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिटर्न तो पुनर नी इनके साथ स्कैम करते हैं। इन्हें लगता है कि हम फोटो उठाने वाले हैं इनका, ठीक है। और एक तो हास संजय तो हासो ब्रा वीडियो से बाकी हमार का टाका আছে ওটা পড়ো ব্রা কি হইছে একদিনই তো সব টাকা খরচ করে হ্যাঁ তারপরে ভিক্ষা যাইব বুর্জ খলিফা। তুই আমাদের ব্লগে চলে আসবি এই ছেলেটা, ঠিক আছে। টাটা টাটা। ट्रेन में भीड़ देख रहे हो भाई लोग। और हम लोग भाई इधर से त्रिवेणी से ट्रेन पकड़ के सीधा जा रहे हैं हावड़ा स्टेशन पे। जब फोकस फोकस सही चीज। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, आइए शुरू करते हैं। और हम लोग इधर पे हावड़ा स्टेशन में उतर चुके हैं। मतलब भीड़ देख रहे हो भाई लोग। और इधर पे भाई हमारा एक फ्रेंड मिलने वाला है जिसका नाम है प्रियंका। तो भाई वो इधर पे जॉब करता है, तो ये शहर को वो अच्छी तरह से जानता है। मतलब बुर्ज खलीफा जाने के लिए किस बस में चढ़ना पड़ता है, मतलब सब अच्छा अच्छा पंडाल कहाँ पे है सब जानता है। तो उससे हम अभी मिलेंगे। वेलकम टू कोलकाता। कोलकाता तो हावड़ा। वेलकम टू हावड़ा। ये ब्रिज मेरे दादा ने बनाई थी। गजब डूबी वाला आदमी हो। क्या बोलना चाहते हैं आप? कुछ तो बोलिए। मेरे को क्या दिखा रहे हो? ये दिखाओ। Let's go.
कैसे हो? एकदम अरे सब्सक्राइबर ये दुख का खत्म नहीं होता बे, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। पूरा गीला गीला हो चुके हैं हम। हाय गाइस, मैं मुंबई आया था तेजू भाई से मिलने, तेजू भाई तो मिले नहीं। हाय गाइस, रुक जा अभी लाना बना, अभी खट्टा बना भाई, नमक अंदर के। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बहुत गर्मी है यार, हम लोग बस से उतर चुके हैं अभी। इधर इतना गर्मी है क्या बताऊं भाई। ये है, ये इधर पे आप देख रहे हो, ये श्रीभूमि का बैरिकेड है। इधर से अंदर से लाइन पड़ता है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, रुकिए। ये अंदर जो बैरिकेड दिख रहा है ना, इधर से श्रीभूमि का लाइन स्टार्ट होता है। इधर से पूरा घूम के जाना पड़ेगा। और अभी भाई वो पल आने वाला है जिसको देखने के लिए हम इतना दूर आए भाई, मतलब जिसका हम सबको और आप सबको बेसब्री से इंतजार था। ये देखते हैं। यू सेड दिस ईयर दुर्गा पूजा विल नॉट बी सो बिग। ये नमस्कार, वेलकम टू कोलकाता। ये तो भाई हो गया बुर्ज खलीफा का सुबह का व्यू। अब आप लोग देखिए ये चीज रात को कैसा लगता है, मतलब भाई कतई जहर। देखो इस इंसान को, ब्लैक विथ ब्लैक। तो हम लोगों का भाई इधर पे श्रीभूमि का पैंडल देखना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी कुछ प्लान नहीं है, पता नहीं कहाँ जाए। आप लोग जुड़े रहिए एक साथ, ठीक है। और जो लोग श्रीभूमि का पैंडल देखने के लिए ब्लॉग का लिंक क्लिक किए थे वो लोग निकल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पंडाल देखना हो चुका है, अब कुछ और होने वाला है, ठीक है। तो इधर पे भाई श्रीभूमि का बुर्ज खलीफा देखना कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना और कुछ पंडाल देखा जाए। तो हम फिर से निकल पड़ते हैं और पंडाल देखने। मतलब भाई आप लोग ब्लॉग के एंड तक जुड़े रहो, बहुत ही मजा आने वाला है, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि भाई आखिर में हमने जो पंडाल देखा ना भाई, वो सबसे अलग है, मतलब सबसे अलग, उसका थिंकिंग सबसे अलग है, मतलब आप कह सकते हो बुर्ज खलीफा से भी बढ़कर है। और भाई ऐसे ही घूमते घूमते हम लोगों को खतरनाक भूख लग गया, तो थोड़ा खाना दाना हो रहा था। चिकन रोल, अरे डबल एग रोल का साइड, डबल एग रोल आगे साइड हो गए, चिकन खाना।
आप बताइए श्रीभूमि मंदिर आपको कैसा लगा पंडाल? देखो भाई श्रीभूमि है ना वो लड़की की तरह है। अच्छा। हम सुबह का जो देख के आए हाँ। वो था बिल्कुल बिना मेकअप के लड़की हाँ। और रात को जो श्रीभूमि होगा हाँ। वो है मेकअप के वाला लड़की। जेब में था चिल्लर साथ वाले किलर काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। बेटे बेटे मौज कर दी। और आखिर में मैं भाई इसी पंडाल के बारे में बात कर रहा था। मतलब भाई ये पंडाल वो लोग को डेडिकेट करके बनाया गया है जारा समाजे दरिद्र मानुष। मतलब एक तरफ से कहे तो हमारे सोसाइटी के मिडिल क्लास के नीचे जो रहते हैं लोअर क्लास वाले उन लोगों को डेडिकेट करके बनाया गया है। मतलब इसका बेसिक पूरा अलग है, थिंकिंग पूरा अलग है पंडाल का, इसलिए मुझे ये सबसे अच्छा लगा इधर का। आप लोग गौर से देखोगे तो भाई ये पंडाल के ऊपर के साइड के हर जगह कुछ घूम रहा है, वो भाई हर एक बच्चे का कपड़ा है। मतलब किसी का फ्रॉक, किसी का पैंट, किसी का शर्ट, किसी का टी शर्ट ऐसे। और वो सभी लोग हमारी तरह हर एक पूजा को, हर एक फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर पाते, उनके ऊपर खास कर ये बनाया गया है। मतलब भाई आखिर में इस पंडाल ने दिल छू लिया भाई, सच बोलूं तो। और ये हार्ट टचिंग के लिए हर किसी का दिल छू जाने की वजह से इसे कितने पुरस्कार मिले हैं भाई देखो। और वैसे भाई यही हमारा आखिरी पंडाल था, इधर पे ही हमारा घूमना खत्म होता है। तो इसके बाद हम लोग बस पकड़ के सीधा पहुंच जाते हैं हावड़ा ब्रिज के सीधा नीचे। मतलब रात को क्या ही लगता है ये ब्रिज, देखो भाई एक बार इसको। और इधर से ट्रेन मिलने के बाद हम लोग हावड़ा से बैंडेल आ जाते हैं, बैंडेल से फिर दूसरे ट्रेन में शिफ्ट करते हैं जो कि मोगरा आके रुकता है हमारे यहाँ पे। उधर से टोटो पकड़ के भाई सीधा घर। वैसे भाई आते समय शूट करने का मूड नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ही टायर्ड हो गए थे हम लोग और मेरे मोबाइल में चार्ज भी खत्म हो गया था भाई। तो पहले तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया अपन के प्रियंकर भाई को, वो अगर ना होते तो पता नहीं हम कोलकाता में कहाँ कहाँ भटक रहे होते पंडाल देखने के चक्कर में। और सहज दिल से बहुत बहुत धन्यवाद यार उन पुलिस ऑफिसर को जो अपनी पूजा मिट्टी करके हमारे लिए धूप में बारिश में दिन रात वहाँ पे लगे रहते हैं, वो सारे वॉलेंटियर को सहज दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है या फिर आप नए आए हो वो लाल कलर के बटन को पूरा दबा के रख दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ भाई। और आप लोग अगर पुराने आए हो मेक श्योर हिट द लाइक बटन। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने पिता माता का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं बहुत ही जल्द। Can I be your superhero? Superhero?